विदर्भ न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। विदर्भ न्यूज की टीम इस समय पहुंची है बडनेरा मतदार संघ के बडनेरा शहर में। बडनेरा शहर से जहां से इस समय चुनावी मैदान के अंदर में पुराने भूतपूर्व आमदार रवि राणा, तुषार भारती, प्रीति पंत, राहुल शिंगारे और नितिन कदम मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन इस बार जहां तक के देखा जाए तो ये मुकाबला इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जहां तक के बडनेरा टाइम की बात की जाए, बडनेरा शहर की बात की जाए, तो बडनेरा की जनता क्या चाहती है, बडनेरा की जनता इस बार किस उम्मीदवार को चुनकर लाना चाहेंगी, क्या लगता है इस बार बडनेरा से विधानसभा से कौन आमदार बनेगा? प्रीति पंत। क्यों लगता है आपको ऐसा? मतलब अच्छे है और जातिवादी है। अच्छा, हाँ, तो जातिवाद का मुद्दा तो एक तरफ हो गया, युवा वर्ग को क्या चाहिए? युवा को मतलब अच्छा होना, लेके चलने वाला सबों को। तो युवा वर्ग का कहना है कि भाई अच्छा होना चाहिए, लेकर ले चलने वाला चाहिए, सबको साथ में लेके चलने वाला चाहिए। आपको क्या लगता है भाई, आपने इसके पहले अपना वोट कब किए? मैंने इससे पहले खासदार में किया, खासदार में वोट किए हुए। क्या लगता है इस बार बडनेरा मतदार संघ से कौन चुनगा? हमारे बडनेरा खासदार से हम मानना चाहते हैं कि प्रीति पंत आ सकती है। पोजीशन जो पब्लिक उनको जो चाह रही है, जो पब्लिक उनको चाह रही है, जो पब्लिक को जो सोच रहे हैं वो, तो हम उनको चाहते हैं, कृपया करते हैं, पब्लिक से भी कृपया करते हैं कि प्रीति पंत को ज्यादा वोट दे और चुन के लाए। युवा वर्ग में कुछ ऐसे भी चेहरे देखने को मिले हैं जिनकी पहली पसंद जो है प्रीति पंत है, और प्रीति पंत को वो चाहते हैं कि वो इस बार बडनेरा मतदार संघ से प्रीति पंत चुनकर आए, आगे चलते हैं, आगे और लोगों से जुड़ते हैं, आगे और लोगों से जानते हैं कि बडनेरा से कौन जो है विधायक बनकर आना चाहिए। साप्ताहिक बाजार परिसर में इस वक्त बड़ा गहमा गहमी का माहौल है, जहां विधानसभा की तारीखें चुनाव की जल्द से जल्द नजदीक आने वाली है। इसी में हम बडनेरा शहर के मतदार संघ में पहुंचे हुए हैं। बडनेरा शहर में वैसे तो पचरंगी लड़त नजर आ रही है, जहां पर पिछले 3 दशक से विधायक रवि कुमार रामा ने जो है राज किया हुआ है। लेकिन इस बार जो है उनके प्रतिद्वंदियों भी जो है काफी पावरफुल नजर आ रहे हैं, जिसमें प्रीति संजय बन, उसके बाद में तुषार भारती है। बडनेरा से देखा जाए तो राहुल शिंगारे भी एक अपना अलग ही व्यक्तिमत रखते हैं, और उसी के साथ साथ इस समय जो है नितिन कदम भी बढ़ चढ़ कर बडनेरा मतदार संघ से अपना जो है भविष्य आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बडनेरा शहर के अंदर में इस समय सबसे ज्यादा किसे पसंद किया जा रहा है। आइए हम इसी में जो है कुछ लोग ऐसे भी है जो उनसे भी बात करना चाहेंगे। दीदी, आप क्या जान रहे हो बडनेरा से? क्या लगता है इस बार बडनेरा विधानसभा से कौन आमदार बनना चाहिए? देखेंगे, अब जो बना वही सही है। नहीं, जैसा पिछले 15 सालों से यहाँ पर विधायक रवि कुमार राणा का ही राज रहा, लेकिन इस बार अलग से और 2-4 चेहरे बढ़ चुके हुए हैं। विकास के आधार पर या एजुकेशन के आधार पर क्या सुविधाएं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो सबका एक का निर्णय नहीं लेना। जैसे देखा जाए एजुकेशन के हिसाब से इन्होंने काफी अच्छा काम किया, रवि राणा भैया ने अच्छा किया है। मतलब जिससे मेडिकल कॉलेज खोला गया है और टेक्सटाइल पार्क का भी इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। अगर उनको जिताया जाए तो शायद आगे और विकास हो सकता है, जैसा कि आपने जाना कि दीदी का बोलना ये था कि अगर से विधायक रवि कुमार राणा दोबारा चुनकर आते हैं तो बडनेरा में और विकास की लहर दौड़ सकती है। बडनेरा में और विकास की लहर दौड़ने के लिए वैसे दूसरे भी जो है काम कर रहे हैं, दूसरे भी उम्मीदवार खड़े हैं, उन्हीं उम्मीदवारों के संदर्भ में हम लोगों से पहुंचते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या होना चाहिए बडनेरा में। सर, क्या लगता है इस बार बडनेरा से आमदार कौन बनना चाहिए? रवि भाऊ राणा। किन मुद्दों के आधार पर रवि भाऊ राणा चुनकर आना चाहिए? आपको क्या लगता है? रवि कुमार राणा। क्या विकास हुआ बडनेरा के अंदर में? विकास वही करने वाला है, बाकी कोई नहीं करने। जनता का कहना है कि विकास के आधार पर रवि कुमार राणा ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम भी आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ने की बाद में कोशिश करते हैं। हाँ, हमारे साथ में जो है आजी भी है, आजी से भी बात करते हैं। काय वाटते आजी, या वर्षी जे आहे बडनेरा मतदार संघ कोणी निवडून येणार? तुमचा मत कोणाला देणार? आज तो मत रवी राणा भाऊ आहे, नरेंद्र मोदी आहे। नाही, नरेंद्र मोदी तर तिकडे आहे, इकडे कोण आहे? बडनेरा मतदारसंघ रवी राणा आमदार। याकूब भाई, आपको क्या लगता है बडनेराचा कोण आमदार बनना चाहिए? एक रवि कुमार राणा है, दूसरा सुनील कराटे है। हाँ। ये दो के अंदर में कंपटीशन होगा। दो के अंदर में आप किसको पसंद करेंगे? सबसे पहली पसंद आपकी कौन होगी? हंसने वाली बात नहीं है ना भैया, मतदान देने का अधिकार सबको है। आप किसको मत देंगे?
तो टाइम पर डिसाइड कर लेंगे, टाइम पर डिसाइड करेंगे। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बात कहने को भी हिचकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेबाक होकर जनता के प्रति जो है जनता के या उम्मीदवारों तक वो बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आइए हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हुए जो है जनता की प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या लगता है भैया, इस बार बडनेरा विधानसभा से कौन आमदार बनेगा? अभी तो फिलहाल में रवि बाबू राणा का ही चल रहा है, फिलहाल में रवि बाबू राणा, क्योंकि उनका जो विकास के काम है, जो हर गरीब इंसान उनके पास में जा सकता है और वो इंसान खाली हाथ वापस नहीं आता रवि बाबू की तरफ से। अब जैसा देखो भाभी की सीट गिरने के बाद में जैसे बलवंत बाबू वानखड़े कहाँ नजर आ रहे, कुछ भी नहीं। जैसे नवनीत भाभी थी तो हम उनके पास में कुछ जो भी दुख दर्द की किसी जनता की जो भी बातें है वो ले जा सकते थे, लेकिन अभी बलवंत वानखड़े जगह पर नहीं है, कहाँ जाएंगे? तो बलवंत वानखड़े तो लोकसभा के प्रति, हाँ तो उनके पीछे पूरा जिला है, ये जो जिले का नहीं, ये जो है स्थायी बडनेरा का विधानसभा का। इसके पहले भी नवनीत भाभी के तरफ पूरा जिला ही था, लेकिन सभी लोगों से वो कैसे अटैचमेंट थे। अच्छा, गरीब जनता उनके पास में जाती थी तो उनका काम होता था, जो भी काम लेके जाता था तो उसको काम की अपेक्षा थी, वो काम पूरा हो जाता। तो जैसा कि आपने जाना है कि लोगों का कहना है कि जनता की अपेक्षाओं के ऊपर में जो है पिछले आमदार जो है खड़े उतरते थे, और खड़े उतरने के बाद में उनका भी क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आइए हम जानने के लिए धीरे धीरे साप्ताहिक बाजार बडनेरा के अंदर में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए लोगों से चर्चा करते हैं कि इस बार आखिर बडनेरा का आमदार कौन बनेगा और कौन भारी मतों से जीत कर आएगा। बडनेरा साप्ताहिक बाजार में हम धीरे धीरे आगे बढ़ चुके हुए हैं, और बडनेरा से इस बार कौन आमदार बनेगा इस संदर्भ में आइए बात करते हैं। क्या लगता है काका, इस बार बडनेरा से आमदार कौन बनेगा? मेरे ख्याल से तो रवि राणा बनेगा। रवि राणा बनेगा, किन मुद्दों के आधार पर रवि राणा बनेगा? काम अच्छा किया उन्होंने, काम अच्छा किया। वैसे दूसरे भी तो उम्मीदवार खड़े हुए है, लेकिन उतना नहीं है, उतने नहीं है, नहीं है। आपको क्या लगता है काका, कौन बनेगा आमदार इस बार बडनेरा से, आमदार कौन बनेगा? कौन बनेगा? रवि राणा बोल रहा है। तुम्हारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा मत देंगे, जो आएगा उसको मत देंगे, भेड़ पर देखेंगे। भेड़ पर नहीं देखेंगे ना, वो तो बूथ के अंदर जाने के बाद में भेड़ जब आएगा। अभी हाँ। क्या प्रतिक्रिया है तुम्हारी? अभी क्या बाबा, मशीन बांट रहा है ना वो, क्या नाम है उसका? कई कई ऐसे भी मतदाता है जिन्हें अब तक ये तक के नहीं पता कि बडनेरा मतदार संघ से आने वाले 20 तारीख 20 नवंबर को जो मतदान कर किया होगा उसमें उम्मीदवार कौन खड़ा हुआ है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, बडनेरा मतदार संघ के अंदर में धीरे धीरे इन दिनों जो है चुनाव का प्रचार जोर पकड़ रहा है, और इसी जोर पकड़ने के चलते आइए हम लोगों तक जुड़ते हैं, लोगों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करते हैं कि विकास के आधार पर ही जो है मत दीजिए। बहुत सारी जनता ने ये कहा कि विकास के आधार पर मत दीजिए। क्या लगता है सर, इस बार बडनेरा से कौन आमदार बनेगा? अभी तो सर बोलते आता नहीं है, सबकी तरफ टपकी फाइट चलो अभी। अच्छा, यानी टपकी फाइट के हिसाब से जैसा कौन कौन उम्मीदवार? अभी गेस नहीं कर सकते सर, अभी जो जो उम्मीदवार खड़े हैं मैदान में, विकास कार्य के ऊपर वोट देना चाहिए कि जाति धर्म के आधार पर वोट देना चाहिए? नहीं, विकास के आधार पर वोट देने को ना मेरे हिसाब से तो। अच्छा, और आपकी पहली पसंद कौन होगी बडनेरा मतदार संघ से, आपकी पहली पसंद कौन होना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो अभी जो रनिंग आमदार है वो मेरे फेवर में है, अभी मैं उनको वोट दूंगा। जैसा कि आपने जाना कि सर का भी बोलना ये है कि जो रनिंग आमदार रह चुके हुए हैं वो उन्हीं को पसंद करते हैं और उन्हीं को वोट देना चाहेंगे। और बहुत सारे लोग हैं बाजार के अंदर में, हर समाज हर वर्ग के लोग आते हैं, इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है भैया, इस बार बडनेरा विधानसभा से कौन आमदार बनेगा? रवि राणा ही बनेगा। रवि राणा ही बनेगा, क्या किन मुद्दों के आधार पर आप पसंद करते हैं? उनके काम देख के पसंद करते हैं हम। अच्छा, उनके काम देख कर क्या क्या काम हुए? जैसे रोड बने, कॉलेज बन रहा, अभी मेडिकल कॉलेज बन रहा, सभी बन रहे, लोगों को थोड़ी मालूम है, वो तो बोलते रवि राणा ने किरण दिया 300 का, मार उसमें घोष मार कर दो। अच्छा, गरीबा की काय झालं? हां, गरीबाची दिवाळी केली म्हणला रवि राणाना, काय नाही देतो घर गरीबा रे लय देते। अच्छा, हां, तू कोणाला मत देणार मग तुम्ही? रवि राणा रे ले, रवि भोले देऊ आम्ही। अच्छा, रवि राणा एकच। गरीबों की बात कही जाए या समझदारों की बात कही जाए, जहाँ एक ओर विकास है तो दूसरी ओर किराना है। लोग किराने में भी खुश है, लोग विकास में भी खुश है, लेकिन जहाँ तक बडनेरा विधानसभा मतदार संघ की बात की जाए तो इस बार
पिछली बार से ज्यादा जो है मुकाबला कड़ा हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे जनता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि क्या होना चाहिए इस बार बटनेरा विधानसभा मतदार संघ से कौन जो है चुनाव जीतेगा। क्या लगता है सर इस बार बटनेरा विधानसभा से कौन आमदार बनेगा? राणा जी बनेंगे। राणा जी बनेंगे मुद्दों के आधार पर लगता है? राणा जी का काम बहुत है यहाँ पर। अच्छा, बहुत काम किया उन्होंने और अच्छा व्यक्ति महत्व है। अच्छा, और सबसे मन मिलाओ, कभी भी बुलाओ, घर पर तैयार, कोई भी काम बोलो कर देता है। जैसा कि आपने जाना कि अच्छे व्यक्तिमत और अच्छे काम की वजह से जो है फिलहाल की कंडीशन में बटनेरा में जब तक हम शुरुआत किए हुए तब से अभी तक जो है हर किसी के सुबह से एक ही नाम सुनने को मिल रहा है, वो है रवि राणा। और हम जुड़ने की कोशिश करते हैं जनता के बीच में कि क्या होना चाहिए, कौन चुनकर आना चाहिए। और ये एक हमारे भी बहुत पुराने मित्र है सुनील जी चौहान, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या लगता है सुनील भाई इस बार बटनेरा विधानसभा से कौन आमदार चुन कर आएगा? देखो भाई, अभी तिरंगे देखते हैं अपना जब साहब अपना लोग अपने ऑटो रिक्शा में बैठने को तैयार है। अच्छा, प्रीति जैन का प्रीति भाई का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, राणा जी का तो सवाल माहौल अच्छा बन ही रहा है। अभी धीरे धीरे माहौल किधर अपना पब्लिक किधर मूड में आती है, प्रीति जी जाता है अपना राणा जी और अपना मशाल, तो दो वोट देंगे क्या? नहीं, मैं एक वोट दूंगा ना। तो किसको? मेरा मत तो राणा जी को जाएगा। तो जैसा कि आपने जाना लोगों के चेहरे पे बात कुछ और थी लेकिन जबाव पे बात कुछ और है, जो भी बात निकल कर आ रही वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों से भी बात करना चाहेंगे हम कि लोगों का क्या कहना है। क्या लगता है भैया इस बार बटनेरा विधानसभा से कौन आमदार बनेगा? एकस पाना। एकस पाना, तो एकस राणा, ये वही राणा। तो जहाँ तक के लोगों की बात की जा रही है तो बाजार के अंदर में अलग अलग क्षेत्र से बटनेरा विधानसभा के क्षेत्र से लोग आ रहे हैं और सभी के मुंह से हम जो है पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन मौसी इस बार बटनेरा विधानसभा से कौन आमदार बनेगा? रवि राणा। रवि राणा, जिसके मुंह से हम अभी तक सुन रहे हैं। रवि राणा, रवि राणा, रवि राणा। तो आइए धीरे धीरे हम अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। गरीबों को करते हैं विकास कार्य, बहुत सारे करते हैं। रवि राणा पाना पाना पाना, सब नटो का पाना। सब नटे स्लिप हुए पूरे टाइट कर देंगे इससे। अच्छा, तो काका का बोलना है उनका भी नट स्लिप हो गया था, वो भी टाइट कर दिए। आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम और लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है विदर्भ न्यूज कि भाई कौन इस बार चुनकर आएगा। दीदी, इस बार बटनेरा विधानसभा से कौन आमदार बनेगा? रवि राणा। रवि राणा, क्या लगता है किन मुद्दों के आधार पर लगता है कि आप रवि राणा ही चुनकर आएंगे? हाँ, नहीं, रवि राणा, हमारा तो मत रवि राणा को ही है। तो दीदी ने भी कहा कि उनका मत जो है रवि राणा को ही है और रवि राणा ही बटनेरा विधानसभा मतदार संघ से बाजी मारने की जैसी जो है उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है, आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं। ये हमारे साथ एक और दोस्त जुड़े हैं। क्या लगता है इस बार बटनेरा विधानसभा से कौन जो है आमदार बनेगा? प्रीतिवन। क्यों बनेगा? जैसा किन मुद्दों के आधार पे बनेगा? विकास कार्य तो जो है दूसरों ने किया, तो विकास में बनाएंगे ना, कुछ ना कुछ करेंगे ना विकास। अच्छा, कुछ ना कुछ करेंगे, कब करेंगे? अगली बार चांस नहीं मिला, ये बार चांस मिला। पिछली बार भी 2019 में वो चुनाव मैदान में खड़ी थी, उसके बाद से तो 5 साल में उन्होंने क्या करे? कुछ भी तो नहीं करे जनता के लिए। तो उनको चुनके नहीं लाए तो क्या करेंगे? नहीं तो जरूरी थोड़ी है, दूसरे भी जो उम्मीदवार है तुषार भारती है, ऐसे तो बहुत काम है। अच्छा, छोटे मोटे चलते रहते, छोटे मोटे बहुत सारे काम है, बोलते देखते है और बात करते है। चाचा, क्या लगता है इस बार बटनेरा विधानसभा से कौन चुनकर आएगा, कौन आमदार बनेगा? अब क्या बताना, बताना तो पड़ेगा ना, कैमरे के सामने कुछ ना बोलना पड़ेगा ना। हाँ, बरोबर है। अच्छा, आप वोट किसको देंगे? आमदार कोई भी बने, आप किसको वोट देंगे? पंजे को देंगे। पंजा तो है ही नहीं यहाँ पर, पंजे के सपोर्ट में मशाल है यहाँ पर। हाँ, मशाल, पंजे के सपोर्ट में मशाल है, तो ये चाचा का कहना है कि वो मशाल को वोट देंगे। और आपको क्या लगता है इस बार बटनेरा विधानसभा से कौन चुनकर आएगा? कंपटीशन तो बहुत टॉप है, बोल नहीं सकते कौन आएगा करके। अच्छा, राणा जी का भी काम अच्छा है, अभी प्रीतिबन भी चल रहे हैं। हाँ, बोल नहीं सकते, कोई भी आ सकता है। नहीं तो आपका मत, तू भी मेरे मत से लगता है राणा ही आएगा। 3 साल, हाँ, 3 बार हुआ है और चौथी बार भी राणा ही आ सकता है। चौथी बार भी राणा ही आ सकते हैं। कुछ दुकानदार भी है इस समय साप्ताहिक बाजार में जो दुकान लगाते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है काका, इस बार बटनेरा विधानसभा से कौन? राणा, 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 राणा। क्यों राणा? राणा अच्छा आदमी है हमारा, पूरा दूसरे अच्छे आदमी है। नहीं, वो बाकी
राणा है, राणा रवि राणा, रवि राणा क्या बोलो, एक नंबर काम है राणा का। राणा अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे भी तो मैदान में अच्छे काम कर रहे हैं। वो कर रहे, लेकिन ये अभी 15 साल से आ रहे ना, 15 साल से काम कर रहे हैं। आदमी भी सही है, किसके भी दुख सुख में काम में आता, वो कोई भी घर को गया तो किसको वापस नहीं भेजता। फिर ये देखना पड़ता है, सबके सुख दुख में शामिल होने के लिए बोलते राणा जी हमेशा तैयार रहते हैं। और हम बात करते हैं भाई से भी कि भाई क्या लगता है इस बार बडनेरा विधानसभा से आप किसको वोट देंगे, किसको जो है आप विधायक देखना चाहेंगे, आमदार देखना चाहेंगे? वैसे तो अपने यहाँ पे जो है प्रीतिताई बंड और राणा दोनों में से एक ही आ सकते हैं। आप किसको वोट करेंगे, आपके वोट के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको पसंद करते हैं किसको नहीं, वो आपका निजी मत है। लेकिन जैसे बडनेरा विधानसभा में इस बार हवा किसकी चल रही है, आप किसको वोट देंगे? देखते ना समय पे जो ऐसा लगेगा वो टाइम तो उनको दे देंगे, जो आने वाली सीट रही तो जो आने वाली सीट रहेंगी उसको देंगे। आने वाले हमने अभी तक जो सर्वे किया उस आधार पर तो हमको 10 में से 9 लोगों का कहना है कि आमदार रवि राणा। हो सकता अगर वो चले गए ऐसा लगेगा सब उनको दे देंगे, उनका अपना खुद। आपको क्या लगता है भैया इस बार? इस बार बदलाव होना है। बदलाव होना, क्यों होना बदलाव? क्योंकि आमदार से थक चुके हैं सभी जनता। भाई मैं अभी तक इतने सारे लोगों से बात किया, हाँ तो जो आप बोल रहे थक गए तो किस वजह से थके? विकास कुछ नहीं है, विकास कुछ भी नहीं, नहीं है। लोग कह रहे हैं उन्होंने मेडिकल कॉलेज लाए, लोग कह रहे हैं उन्होंने जो है हाँ। विकास कार्य, उनके घर को आधी रात को भी जाओ तो वो किसकी मदद करते, किराना बांटते, सब कुछ करते। ये किस लोगों ने बताया? ये अभी यही बाजार में ही हूँ ना भैया मैं तो, एक ही पार्टी की एक ही विचार की धारा थोड़ी रहती है। तो भाई आप बोले विकास नहीं किए, मैं वो बात बता रहा हूँ ना आपको। सवाल जो विकास हुआ है लेकिन कितना साल लग गया? 15 साल। अच्छा, और 15 साल में कितना विकास होना था? तो आप कम विकास हुआ है 15 साल के बाद। आपकी पहली पसंद क्या होना चाहिए? प्रीति बंड। हाँ। आपका क्या बोलना? प्रीति बंड विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, प्रीति बंड पाहिजे आपका, तुम्हाला पण प्रीति बंड पाहिजे, बदलाव जरूरी आहे। बड़ी देर के बाद में कुछ ऐसे भी लोग नजर आए की जिनके मुंह से ये शब्द सुनने को मिला की बदलाव होना चाहिए। भैया आपको क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? नहीं, रवि राणा होना। क्यों होना रवि राणा? गरीबों के लिए बेचारा बहुत अच्छा है वो, गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। ये दूसरे गरीब तो रो रहे हैं उनको रंदे ना। तो अरे भाई आपके सामने है ना, बिल्कुल मैं बोल रहा ना, तुम्हारे को वही छोना रवि राणा ही छोना। हाँ। तो आपने जाना कि एक तरफ जहाँ गरीब रो रहे हैं तो वहाँ दूसरी तरफ जो है दूसरे भी जो मतदाता है उनका कहना है कि नहीं भाई वो गरीबों के हमदर्द है, गरीबों के लिए जो है काम करने वाले है। और आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं मेहनत नहीं रवि राणा ने खेला है, पर कैसा है कामाची गोष्ट असते कोणती तरी। और हमारे साथ में इस समय बाजार में एक बड़े ही अच्छे व्यक्तिमत्व के जो है जिनका नाम बोलने की जरूरत नहीं है, किशोर बाबू जादव मिले, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि बडनेरा में परिवर्तन होना चाहिए कि बडनेरा में पिछले 15 सालों से जिनका राज चल रहा वो चुनकर आना चाहिए। लगभग तो अभी वातावरण परिवर्तन का ही है, लगभग वातावरण परिवर्तन का ही है। किन आधार के ऊपर में आपको ऐसा लगता है कि जो है परिवर्तन है? पब्लिक की डिमांड लग रही है, अभी मैं तो एक पदाधिकारी हूँ, वो हिसाब से ऐसा लग रहा कि भाई कहीं ना कहीं। एक बात आपको भी ये लगती नहीं है क्या कि भाई बीजेपी की पार्टी की ओर से एक तो बडनेरा में टिकट नहीं दी गई, दूसरी बात तुषार भारती ने जो है बंडखोरी करते हुए यहाँ से पर्चा दाखिल किया, तो कहीं ना कहीं फिर पार्टी किसकी कुछ गलती हुई क्या हुआ? जैसा रवि राणा बोल रहे हैं कि मायूती का जो है उम्मीदवार करके नहीं पार्टी का। तुषार भारती 20-25 साल से पार्टी का आदमी है, हाँ। उसका हक है, हाँ। अगर उसको अगर टिकट नहीं मिल रही है तो वो बंडखोरी कर रहा है तो उसको बंडखोरी नहीं बोले जाएंगे। अच्छा, और अगर बीजेपी जिंदा रखना है तो वो लड़ेंगे। अच्छा। और लड़ रहे हो तो फिर इसमें दो बातें हो रही ना, फिर कहीं ना कहीं जनता ये भी संकोच में रहेंगी कि भाई रवि राणा को वोट करना चाहिए कि तुषार भारती को वोट करना चाहिए। देखो पब्लिक समझदार है। अच्छा, तो मारो मेरे बोलने से अगर ये वातावरण चेंज हो जाता था तो बहुत बड़ी बात है। पब्लिक क्या डिसाइड लेती ये 15 या 16 तारीख को पता चलेगा, 15-16 तारीख को पता चलेगा। और आपका निजी मत क्या है बोलने का मतलब? बीजेपी। तो जैसा कि आपने जाना है कि भाई पब्लिक जो है परिवर्तन चाहती है, पब्लिक को भी परिवर्तन चाहिए और ये परिवर्तन 16 तारीख तक के खुलकर सामने आएगा कि क्या परिवर्तन होना चाहिए। क्या लगता है बडनेरा से कौन आमदार बनना चाहिए? मैं बडनेरे का हूँ, दामनगांव से यहाँ बाजार करने आए। चलिए ठीक है, आपको क्या लगता है? रवि राणा। हाँ। क्यों होना चाहिए रवि राणा? काम अच्छा है उसका, काम है अच्छा है। हाँ। क्या क्या काम अच्छा है? सब काम, गरीबों का दाता।
तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोगों के मुंह से सुनने को मिल रहा है कहीं कोई और किसी की तारीफ कर रहा है, कोई मतदाता और किसी की बात कर रहा है, फिर भी हम यहाँ तक पहुँच चुके हुए, बाजार के कोने तक के आ चुके हैं। कुछ ऐसे भी दुकानदार है जिनसे हम बात करेंगे। आइए काका, क्या लगता है इस बार बढेरा विधानसभा से कौन आमदार बनेगा? ये जनता के ऊपर से डिपेंड है बिल्कुल। आपकी पहली पसंद क्या है? हमारी पहली पसंद देखो, जो पहला आमदार था वो आने को ना, तो खुलकर बोलिए ना, आने युवा स्वाभिमानी ना, युवा स्वाभिमान। और आपको लगता है इस बार की चौथी बार भी जो है रवि राणा जो है बढेरा मतदार संघ से चुन के आएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे लोगों की प्रतिक्रियाएं खुलकर सामने आ रही है। क्या लगता है दादा, इस बार बढेरा विधानसभा से कौन आमदार बने? ये तो सब पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। आपकी क्या राय है? पब्लिक में आप भी शामिल है ना, क्या बाहर है? पब्लिक के बाहर है क्या? मैं पब्लिक में छू। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जो आज तक जो इंसान जो नेता पब्लिक के बीच में रहा है हो सकता है वो आ जाए, हो सकता है वो आ जाए। यानी आपकी विचारधारा के अनुमानित ये है कि 90% आप भी सोचते हैं कि रवि राणा ही चुनकर आएंगे? ऐसा कोई, मैं पर्सनली किसी का नाम नहीं लिया मैंने। नहीं नहीं भाई, अभी तक वही है ना मैदान में, कोई नहीं। अरे भाई 15 साल से मैदान में कौन है आमदार बढेरा का? अभी जो आएंगे कौन है? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कौन है आमदार? कौन है पब्लिक के बीच में? रवि राणा। रवि राणा ही तो काका बोलने में जरूर संकोच कर रहे हैं, कैसा ये मेरे निजी मित्र जरूर है, लेकिन जहां तक जनता के हित की बात है तो मैं तो खुलकर किससे भी सवाल करता हूं, फिर चाहे वो सवाल अच्छा लगे या बुरा लगे। क्या लगता भाऊ, युवा वर्ग के हिसाब से इस बार बढेरा मतदार संघ से कौन आमदार बनेगा? रवि भाऊ राणा। क्या मुद्दे, उन्होंने ऐसे क्या खास काम किए जिसके आधार पर आप पसंद कर रहे हैं? अभी प्रीति बन भी है, तुषार भारती भी है, राहुल चुंगारे भी है, नितिन कदम भी है। तो ज्यादा से ज्यादा कैसा उनका ही जो भी है उतना में जितना डेवलप किया, जैसे अपना रेलवे स्टेशन है, जैसा भी अपना जितना भी अच्छा काम है वो सब उन्होंने किया है। बहुत सारे अच्छे काम है जो उन्होंने किए हुए हैं। एक और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भाई, क्या लगता है बढेरा मतदार संघ से कौन आमदार बनेगा? बढेरा मतदार संघ प्रीतिताई बंड। प्रीतिताई 15 साल में कुछ विकास नहीं हुआ? अच्छा, विकास बताओ तुम कहाँ है? तो आज इतनी सारी जनता जो बोल रही है कि भाई विकास हुआ, किनारी की भाई मेडिकल कॉलेज आया, बढेरा के अंदर में जो है बढेरा की महाराज का पुतला बना, रोड बने, बहुत सारे काम जनता किनारी। युवा वर्ग का क्या काम है? युवा वर्ग का क्या काम है? कहाँ पर है युवा वर्ग के लिए क्या काम करना पड़ेगा? आप बताइए, आप बताइए फिर। अभी वैगन फैक्ट्री में है जो बढेरा में आती, वहाँ के कहाँ पर भी लगे युवा वर्ग? तो आप लोग कभी गए क्या उनके पास कि भाई वहाँ पर? हम बहुत बार गए, बहुत बार आश्वासन देते, खोटा आश्वासन देते, खोटा आश्वासन देते। इसलिए फिर आपके हिसाब से कौन आमदार बनना चाहिए? प्रीतिताई बंड। सबको अभी 15 साल सबको दिए, अभी नए उसको भी दो। तो युवा वर्ग का भी कहना है कि 15 साल सबको दिए हुए, क्या लगता है बढेरा मतदार संघ से कौन आमदार बनेगा? प्रीतिबन। क्यों बनना चाहिए? विकास कार्य तो दूसरों में जो है रनी आमदार ने भी किए हुए। नया होना, अभी नया होना, 3 साल उनको दे देना अपन ने। अच्छा, अभी नया होना है, अभी नया होना, नया चेहरा होना, नया चेहरा होना। तो कुछ ना कुछ जो है लोगों का सोचना ये है कि नया चेहरा होना, नया चेहरा होना। आपके हिसाब से क्या लगता है बढेरा में कौन आमदार बने? प्रीतिबन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वो नया चेहरा है और गरीब है और उनको देना चाहिए, वो हकदार है उसके। उनकी टिकट भी कटी तो जो उनको टिकट नहीं दिए इसके वजह से वो अपक्ष उम्मीदवार खड़े रहे, और प्रीतिबन ही होना चाहिए हमको। तो जनता की प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। कहीं जनता के चेहरे पर रवि राणा का नाम है तो किसी के चेहरे के ऊपर में प्रीतिबन का नाम है। दीदी, क्या लगता है इस बार बढेरा मतदार संघ से कौन चुनकर आएगा, या आपकी पहली पसंद कौन है, आप किसको मत देंगे? हमारी पसंद वो रहेंगी जो महंगाई कम करेगा। महंगाई कम करेगा? हाँ, अभी आप मार्केट से घूम के आए हो तो देख ही लिया होगा अपने हाल क्या है। तो हाल तो जो है देखिए कैसा है कि जहाँ आप भी जो है महंगाई से त्रस्त है तो सभी महंगाई से त्रस्त है, लेकिन फिलहाल जो है विकास कार्य पर या जाति धर्म के आधार पर आप किस आधार पर मत देना चाहेंगी? देखो अभी ये तो गुप्त रहता है, हम ये बता नहीं सकते, लेकिन जो हमारे दिल में हम तो उन्हीं को देंगे। लेकिन जो भी चुन क्या है, देखो हम पसंद बोलते बोल के किसी को प्रेस में नाराज नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन अगर जो भी हम जिसी को भी चुन के लाएंगे, हमारा यही कहना है कि उन्होंने जो गरीबी है वो दूर करना चाहिए, जो विद्यार्थी है उनको कुछ ना कुछ उद्योग मिलने चाहिए,
जो जैसा भी सब रेलवे बोलो या कुछ भी बोलो सब ठेकेदारी में चला गया है। जो एजुकेशन जो विद्यार्थी है उनका जो शिक्षण पर से जो विश्वास है उनका जो लिंग है पढ़ाई करने की वो सब कम होते जा रही है कि उनकी उनको कोई उद्योग नहीं मिल रहा ना उनके एजुकेशन के हिसाब से। ऐसा कुछ तो भी उद्योग मिलना चाहिए। बड़ी अच्छी बात, बहुत देर के बाद में एक ऐसी जागरूक मतदाता हमें मिली जिन्होंने वास्तविक में बडनेरा शहर के अंदर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए उस पर बात कही। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कोशिश करते हैं। बडनेरा का बाजार तो बहुत प्रसिद्ध है, आप देख सकते हैं बडनेरा के बाजार में चौतरफा लोग आते हैं और खरीदी करते हैं। आगे आगे बढ़ने के बाद में हम और लोगों से जुड़ते हैं। धीरे धीरे हम साप्ताहिक बाजार से निकलकर जो है शिवाजी महाराज के पुतले तक पहुंच चुके हैं। ये भी बडनेरा शहर का एक मुख्य ठिकाना है और यहाँ पर भी हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बडनेरा का आमदार कौन होना चाहिए। क्या लगता भैया इस बार बडनेरा से विधानसभा आमदार कौन होना? रीतेताई बंड। किन मुद्दों के आधार पर रीतेताई बंड होना चाहिए? उनके पिताजी के अलग अलग काम है ना, पिताजी के पति के नहीं, तो वो तो बलगांव मतदार संघ में थे, बडनेरा मतदार संघ में कहा? काम तो अच्छा है ना उनका। अच्छा, आपको क्या लगता भैया? मेरे को लगता है प्रीति बंड। प्रीति बंड, किन मुद्दों के आधार पर? क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे पानी पीने की तक व्यवस्था नहीं है। नहीं है? नहीं, पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। कौन से एरिया में रहते हैं? हम दुर्गापुर रेल नगर। रेल नगर, हाँ। तो वहाँ पर अभी तक जो है पानी की व्यवस्था नहीं पहुँची, तो इस संदर्भ में अभी तक किसी ने आपका भी गई नहीं? नहीं, हम गए रवि राणा साहब के ऑफिस में गए, तीन बार गए, लेखी कम्प्लीट दिया, ऑनलाइन कम्प्लीट दिया, सब कर रहे। हमारे पास आज भी कागज मौजूद है लेकिन हम बाजार में आए इसलिए हम अब ला नहीं सके। अच्छा, हाँ, इसलिए हमारे को कुछ बदलाव चाहिए, बदलाव। क्योंकि आमदार खासदार यही एरिया में रह रहे लेकिन हमारे इधर पानी पीने तक की सुविधा नहीं, रोड नहीं, नाली नहीं, हम लेआउट में रहते हैं, नजुल नहीं। अच्छा, तो भी ऐसी हालत है हमारी, देखो कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए हमें। कुछ ना कुछ जनता का कहना है कि बदलाव की सूरत चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव के अंदर में बदलाव की बात करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद है और बदलाव के लिए भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बदलाव के लिए हम बताएंगे बडनेरा मतदार संघ से इस बार आमदार कौन बनेगा? आमदार बनेंगे प्रीति बंड। किन मुद्दों के आधार पर भैया? किन मुद्दों पे आधार तो ये बताएंगे हम। क्या पहले तो संजीव भाऊ बंड ये आमदार हो चुके हैं, वो बलगांव के थे। बलगांव के थे और बडनेरे के अंदर उनका इतना पावरफुल है कि हम दिल से उनको वोटिंग करेंगे और हर इंसान प्रीति बंड को वोटिंग करेगा, हम ये चैलेंज के साथ बोलेंगे। तो जैसा कि आपने जाना कि बहुत सारे लोगों का मत ये है कि इस बार बडनेरा में चेहरा बदलना चाहिए, बडनेरा में चेहरा बदलने की वजह से जो है बडनेरा में चेहरा बदलेगा तो बडनेरा का विकास होगा। और बात करने के लिए हम पहुंचते हैं, काका क्या लगता है इस बार बडनेरा से विधायक कौन बनेगा, कौन आमदार बनेगा? क्या बोल रहा है? कुछ ना कुछ तो, अरे भाई कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। राणा जी, रवि राणा बनेगा यार। रवि राणा, रवि राणा। काका क्या लगता है इस बार बडनेरा से विधायक आमदार कौन बनेगा? रवि राणा। रवि राणा, किन मुद्दों के आधार पर? अच्छे काम किए उन्होंने। अच्छा, अच्छे कामों में कुछ काम, जैसे बहुत सारे लोगों का बोलना है कि काम क्या है करके? शिवाजी का पुतला बिठाया। अच्छा, गरीब लोगों को मतलब रोजगार वगैरह लगा देते वो। अच्छा, हाँ, गरीब लोगों को रोजगार लगा देते। और उसके अलावा? उसके अलावा बहुत काम किए बेचारों ने, उन्होंने गरीब लोगों को मतलब अनाज वगैरह ये वो दवा खाने के काम वगैरह जो है वो उनको मदद करते हैं, ऐसा है। क्या लगता काका तुमको? मेरे को ये लगता है कि कोई भी आमदार और कोई भी खासदार, जोर से कोई भी आमदार कोई भी खासदार किसके दरवाजे का आएगा? नहीं, अभी ये आमदार था उसको खासदार बनाए, अभी तक दिखा गया वो। अच्छा, दिखा गया वो, अभी खासदार की नहीं बात चालू, अभी आमदार की बात चालू। लेकिन उसमें भी आने चाहिए। अच्छा, ये जो आदमी है आप, तो आप किसको मत करेंगे, आपको क्या लगता है? रवि राणा वो आदमी कहीं ना कहीं हर किसी की पांचों उंगली जिस प्रकार से एक जैसी नहीं हो सकती वैसा ही सबका मत एक जैसा नहीं हो सकता। आइए बात करने के लिए और आगे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हुए साप्ताहिक बाजार से जो है जस्टम चौक की तरफ चलते हैं हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार बडनेरा से कौन चुनकर आएगा। क्या लगता है दादा, इस बार बडनेरा से आमदार कौन बनेगा? अभी मैं कुछ भी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते भैया? कुछ तो बोलना चाहिए ना भाई। नहीं, मेरी मनस्थिति नहीं जगह पर, मनस्थिति नहीं है जगह। तो आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे को कुछ नहीं लगता। इनको जो है ये वैसे तो हमारे बहुत पुराने मित्र है लेकिन फिलहाल चुनाव के बारे में बोलना नहीं चाहते। नहीं, चुनाव के बारे में बोलने का मतलब ये है बहू कि भाई आप जो बात रखेंगे वो चाहे कोई भी उम्मीदवार हो
जो चुन के आएगा वो बात की बात रहती है, लेकिन वो उम्मीदवार तक संदेश पहुंचना चाहिए कि जनता को क्या चाहिए, ये हमारा काम है। वो चुन के आएगा कोई, वो बात की बात निश्चित होगा, हमारा काम रहता है कि जनता की प्रतिक्रिया जो है प्रतिनिधि करने वाले तक पहुंचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे और बडनेरा में। बडनेरा शहर के जस्टन चौक पर पहुंचने के बाद में हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बडनेरा शहर से कौन आमदार बनकर आएगा या बडनेरा शहर वासियों की पहली पसंद कौन होंगी। इसी कड़ी में हम जुड़ते हैं और युवाओं के साथ में भी कुछ बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी पहली पसंद क्या होना चाहिए। आंटी, क्या लगता है इस बार बडनेरा विधानसभा से कौन आमदार बनेगा? अब जो जिसको रवि राणा पहली पसंद क्या है? रवि राणा। रवि राणा आपको क्या लगता है? रवि राणा। रवि राणा, आप आपका किनकी वोट किसे देंगे? रवि राणा को। तो जनता के बीच में उम्र दराज व्यक्ति क्या, युवा व्यक्ति क्या, हर किसी के से यही सुनने को मिल रहा है कि भाई रवि राणा काका, पांडे काका मिले, पांडे काका इस बार बडनेरा से कौन आमदार बनेगा? रवि राणा बनेगा। रवि राणा बनेगा, क्यों बनेगा भाई? उनका काम अच्छा है, उनके काम अच्छे है। तो काम के आधार पर, विकास के आधार पर ही जो है बात की जा रही है, और विकास के आधार पर बात करते करते हम लोगों तक जुड़ रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बडनेरा से कौन आमदार बनेगा। जैन चौक पहुंचने के बाद में हमने यहाँ पर गुड़ की चाय का चस्का लिया। थोड़े समय के बाद में भले ही हम पान खाएंगे, लेकिन हम इस वक्त पहुंचे हैं सुरभि पान सेंटर पर। यहाँ पर भी हर समुदाय के लोग देखने को मिलेंगे और इनसे भी हम जानेंगे कि इस बार बडनेरा से कौन आमदार बनेगा। क्या लगता है भैया, इस बार बडनेरा से कौन आमदार बनेगा? आप बोलो भैया, पहले आप बोलो ना। ये बार तो प्रीतिताई आने को ना। प्रीतिताई आने को, क्यों आने को ना? क्या, किन मुद्दों के आधार पर आप उनको पसंद कर रहे हैं? अभी नया चेहरा देखने को ना। अच्छा, नया चेहरा देखने अभी आपके हिसाब से भैया? अरे हम भी चाहते हैं कि वही कुछ नया चेहरा मिल जाए, नया चेहरा पब्लिक को, कुछ नया चेहरा चाहिए पब्लिक को। नहीं, आपका हमारा भी विचार यही है, कुछ नया चेहरा है, नया चेहरा, नया। तो कुछ ना कुछ लोगों को ये भी लगता है कि नया चेहरा होना चाहिए, नए चेहरे की बात होनी चाहिए, नए चेहरे की बात होनी चाहिए। और कुछ लोगों से जुड़ते हैं हम। क्या लगता है भैया, इस बार बडनेरा से आमदार कौन बनेगा? अब क्या मालूम, इसका होना महाविकास आघाड़ी का होना चाहिए। हाँ। तो महाविकास आघाड़ी से कौन खड़ा हुआ है? खराटे। तो आपका पहली पसंद महाविकास आघाड़ी है? हाँ। और वैसे दूसरे भी तो लोग खड़े हुए हैं, वो भी आपका, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। वो क्या, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है प्रीतिताई बंड होना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि विकास के आधार पर रवि राणा चुनकर आना चाहिए। इन सभी के बीच में हम जो है बडनेरा के आखिरी छोर पर पहुंच चुके थे, जो कि है जैन चौक। और इसी के साथ साथ हम समय समय पर आपको जो है बडनेरा विधानसभा सहित अमरावती विधानसभा के जनता की प्रतिक्रिया जोड़ेंगे। विधान न्यूज की तरफ से एक विशेष संदेश देना चाहूंगा कि आने वाले 20 नवंबर को युवा वर्ग सहित हर कोई अपना कीमती मतदान करे। आपका मतदान उज्ज्वल महाराष्ट्र के लिए पत्थर का मील साबित हो सकता है। कैमरामैन साबिर हुसैन के साथ में शोएब खान, विदर्भ न्यूज, बडनेरा।